चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं कि BFA के एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जाता है। कॉलेज ऑफ आर्ट BFA एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या आता है उसके बारे में थोड़ी सी एग्जैक्ट हम चर्चा करते हैं और किस तरह से आपको उसकी तैयारी करनी होगी। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने पेंटिंग चूज़ किया है, अगर आप BFA करते हो, तो वहाँ पर कुछ चार स्ट्रीम्स के आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। नंबर वन, आपसे पूछा जाएगा बेसिकली कि भाई आप क्या लोगे। BFA तो करोगे, लेकिन BFA किस स्ट्रीम से करोगे? तो आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं, पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर और प्रिंट मेकिंग। ये चार ऑप्शन आपके पास होते हैं, इन चार में से कोई एक आपको चूज़ करना होता है। ठीक है, सपोज़ मान लीजिए आपने पेंटिंग चूज़ किया, तो अब पेंटिंग वालों के लिए कौन कौन से सवाल आपसे पूछते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती है, मैं आपको बताता हूँ। यदि आपने पेंटिंग चूज़ किया है, तो नंबर वन आपसे बनवाया जाएगा स्टिल लाइफ। ठीक है, कुछ आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स को रख दिया जाएगा। आप कहीं कमरे में बैठे रहोगे, आपके सामने ज़मीन पे कहीं कुछ ऑब्जेक्ट्स को रख देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, हो सकता है एक चेयर रख देंगे, एक पेप्सी की बोतल रख दी, या कोई कपड़ा रख दिया, या फिर कुछ ईंट रख दी। इसी तरह के कुछ ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड हो सकते हैं। आपको ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करके एक स्टिल लाइफ बनानी होगी उन लाइव ऑब्जेक्ट्स को देख करके। ठीक है जी, सो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपसे स्टिल लाइफ बनवाई जाएगी वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम में। दूसरी चीज़ आपसे बनवाई जाती है वहाँ पर पेंटिंग। ठीक है, बाय मेमोरी पेंटिंग बनानी होती है। कोई भी टॉपिक दे देंगे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया जाएगा कि आपको वाटर कलर से पेंटिंग बनानी है, रोड साइड ढाबा बनाना होगा आपको, या आपसे कह देंगे कि भाई ऐसी पेंटिंग बनाओ जिसमें दो बच्चे फुटबॉल का मैच देख रहे हैं स्टेडियम के अंदर बैठ कर के। सो इस तरह का कोई सीन आपको वाटर कलर से तैयार करना है। कहने का मतलब, वो पेंटिंग आपको बाय मेमोरी बनानी होगी, कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा उसका। जैसे हमने देखा था कि वहाँ पर जब स्टिल लाइफ बनवाते हैं, तो वहाँ तो रेफरेंस आपको मिलता है, बाकायदा आपको आपके सामने स्टिल लाइफ को रख देते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट आपके सामने रख देते हैं, उनको देख करके बनाओ। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टिल लाइफ में तो ज़्यादातर लोगों को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन द थिंग इसकी दिक्कत जहाँ होती है वो होता है आपको बाय मेमोरी जहाँ पेंटिंग बनानी होती है, तो उसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी वाटर कलर वाले की। अब तीसरी चीज़ की हम बात कर लेते हैं। तीसरी चीज़ जो होती है दोस्तों, तीसरी चीज़ आपसे पूछा जाता है, एक हिस्ट्री का पेपर आता है। बेसिकली 30 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और वो 30 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ उसमें ऐसे पूछ लिया जाएगा कि भाई मोनालिसा की पेंटिंग कौन से म्यूजियम में रखी हुई है। सो इस तरह के कुछ ईजी सवाल आते हैं, तो उनको जो है बेसिकली आपको तैयार करना होगा। एक बुक दूंगा मैं आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आपको अगले वीडियो में बता देंगे कि कौन सी बुक जो है आपको पढ़नी चाहिए उस हिस्ट्री के पेपर के लिए। अब मैं आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ क्या क्या होता है। जो आपकी स्टिल लाइफ होती है वो 60 नंबर की होती है, जो आपकी पेंटिंग बाय मेमोरी बनानी होती है वो भी 60 नंबर की होती है, और जो आपका हिस्ट्री का पेपर होता है वो सिर्फ 30 नंबर का होता है। ठीक है जी, तो दैट मीन्स यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई कि हिस्ट्री के पेपर को बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है जी, लेकिन मेन फोकस तो आपका आपकी पेंटिंग पर होना चाहिए। और तीसरी मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, पर्सनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप 12th में अभी कुछ एग्जाम्स आपके बाकी हैं, जैसे लॉकडाउन में अगर आपके एग्जाम्स कुछ अगर बचे हुए हैं, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि 12th में आपकी अच्छी परसेंटेज होगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उस कॉलेज में एडमिशन के लिए। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि 12वीं के जो मार्क्स होते हैं उनका भी 40% वेटेज होता है, जो कि बहुत बड़ा वेटेज है। 60% तो आपकी ड्राइंग की मान्यता होगी, लेकिन 40% आपके 12वीं के मार्क्स भी मैटर करते हैं। तो दैट मीन्स कि जितने ज़्यादा आप मार्क्स लाओगे, उतना ज़्यादा आपका चांस होगा सिलेक्शन का, क्योंकि कॉलेज ऑफ आर्ट DU के अंडर आता है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, और हो सके इफ़ पॉसिबल तो कहीं से कोचिंग ले लेना आप 2 महीने पहले, ये 1-1.5 महीने पहले। मैं तो बोलता हूँ आप कोचिंग ले लो कहीं से, अगर आपका एम ही है कि मेरे को सेलेक्ट होना है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन ईजिली नहीं होता है। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, लेकिन सबका नहीं हो पाता है सिलेक्शन, जो बेस्ट होते हैं उन्हीं का होता है। तो अपने एक तरह से तैयारी अच्छे से स्ट्रांग रखना आप। तो दोस्तों, यही था कुछ जो मैंने आपको बताया था, इनकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली किस तरह से आप अपनी तैयारी को घर पे कर सकते हो बैठ करके। सो दोस्तों, ऑल द बेस्ट। कॉलेज ऑफ आर्ट के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंडिया का बेस्ट कॉलेज कॉलेज ऑफ आर्ट, क्योंकि सबसे चीप है और सबसे बेस्ट है, दैट्स वाई। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कॉलेज ऑफ आर्ट का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है BFA का, उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाता है। कोई भी क्वेश्चन हो BFA से रिलेटेड, ड्राइंग पेंटिंग से रिलेटेड अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो एनी टाइम आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और जो भी है आप कर सकते हो। बेसिकली नंबर भी मैं आपको दे दूंगा मेरा व्हाट्सएप का, 9079086853, इस पर भी कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। सो बस यही जानकारी देनी थी आपको। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को भी हमारे।
और फ्यूचर में अगर आर्ट से रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड अगर आपको जानकारी फर्दर चाहिए कि इसमें कैसे कैसे करियर बनता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो वो भी मैं वीडियोज़ डालता रहूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोग इस चीज़ के लिए। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों।